हाई करो हाई करो। किंडर जॉय में मिला है ना, बहुत दिनों के बाद बच्चों को किंडर जॉय मिला है ना। हाँ पपन जी राजा। ओके सो टाइटल अपनी पढ़ाई होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा व्लॉग है और बच्चों के साथ मैं कर रही हूँ। आज मैं बहुत सारी बातें करूँगी और ये क्वेश्चन जो है मुझे बहुत दिनों से आ रहा है। बहुत मतलब आपको बता दूँ, जब मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था व्हाई आई लेफ्ट इंजीनियरिंग, तब से ये जो वीडियो है तब से ये क्वेश्चन जो है वो मुझे पूछे जा रहे हैं। और मैंने कहा था कि मैं इसका आंसर दूंगी। तो आपको बता दूँ मुझे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि दीदी आप इंजीनियरिंग में हो तो आपका बॉयफ्रेंड तो होगा ही है ना। मैंने बोला, मैंने उसका शायद कुछ स्माइली नहीं दिया तो उसको हर्ट दिया था। दूसरे ने पूछा था दीदी अगर आपका कुछ पास रिलेशन हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा क्योंकि मैं भी इंजीनियरिंग में हूँ और फर्स्ट ईयर में हूँ, तो प्लीज़ मतलब मुझे बताइएगा, ऐसे कुछ तो क्वेश्चन था। और तीसरा क्वेश्चन था कि हाँ शीतल तुम्हारा पक्का बॉयफ्रेंड होगा, पक्का का पक्का बॉयफ्रेंड होगा। तो एक बंदी ने उसके नीचे कमेंट किया, वो मेरे बहुत लॉयल सब्सक्राइबर है, कि अरे यार तुम शीतल दीदी का और नितेश जीजू का जो है ना रिलेशनशिप ही ख़राब कर दोगे, ब्रेकअप कर दोगे। और मैंने निदेश में वो साथ में कमेंट देखा था, हम दोनों इतने हंस रहे थे बहुत ज़्यादा हंस रहे थे उस कमेंट पे। ओके तो देखिए हम एक ऐसे स्टेज पे आ जाते जैसे कि 17-18 एज पे, तो हमें ऑब्वियसली हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, और हुआ मतलब ऐसा हुआ कि मतलब जो कभी मुझे फील आ ही रही वो फनी बात है। सबसे पहले मुझे जब मैं स्कूल में थी, तो आप सभी को पता होगा अगर आपने मुझे पहले से फॉलो किया, तो मेरी जो स्कूल थी मराठी स्कूल थी, मराठी स्कूल में मैं पढ़ती थी, तो उस स्कूल में लड़के जो थे उनकी क्लास अलग थी और लड़कियों की जो क्लासें अलग थी। और मैंने आपको बताया कि मेरा जो ग्रुप था, हम जिनका फर्स्ट नंबर से लेकर 15 नंबर तक आता था, हम सब एक साथ ही होते थे फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक। फर्स्ट टू फोर मेरी जो स्कूल थी वो अलग थी, और जूनियर सीनियर के जी वो भी अलग स्कूल थी। तो जो फिफ्थ स्टैंडर्ड में मेरी फ्रेंड थी वही 10th स्टैंडर्ड तक रही, और फिर उसके बाद 11th-12th में हम थोड़े बहुत इधर उधर हो गए थे, बट फिर भी हम एक टच में हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। और मेरी बहुत सारी फ्रेंड जो है मुझे देखती है, और मेरी बहुत सारी फ्रेंड जो है एब्रॉड में है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम सब व्हाट्सएप पे कभी कभार चैटिंग करते हैं, और कभी कभार मेरी फ्रेंड मुझे कहते हैं कि यार शीतल हमने तेरा वीडियो देखा तो बहुत अच्छा लगता है। ओके पानी पाइजे तीन स्टूल गे गोनू लेता है ना कहता गोनू को अभी आदत लग गई है कि स्टूल वहाँ पे रखो और फिर उसके बाद पानी, वो अपने हाथों से गे स्वामी श्री को अभी ये सॉफ्ट चाहिए है ना, आईने दिल है ना अपने आईने दिली। तो 10th स्टैंडर्ड तक ऐसा था कि हम कभी भी एक किसी भी लड़के के साथ बात नहीं करते थे, कभी भी नहीं। और इवन उस टाइम ऐसा लगता कि लड़का लड़के अगर बात करेंगे ना, हाँ बैठो नीचे, अच्छा यहाँ पे गणेश को लड़के स्वामी श्री को लड़के है ना, दो गन्ना लागली बर 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 ठीक है। तो 10th स्टैंडर्ड तक जो था मतलब पढ़ाई 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 करनी थी, फिर उसके बाद 11th स्टैंडर्ड मतलब हम सभी का एक ही मोटिव था, जितनी भी हम लड़कियां फ्रेंड थी, कि हमें इंजीनियरिंग में जाना ही जाना कंपलसरी इंजीनियरिंग। हाँ और फिर उसके बाद बस एक हाथ दो लड़कियां थी जो सीए की तरफ गई, और वो अभी सीए ही बनी है। और उसके बाद 11th-12th में लड़के एक साथ थे, बट मेरी जो बेंच में थी यू नो हम इतने फनी थे, मतलब आपकी जैसा फ्रेंड सर्कल होता है वैसे आपके ऊपर मतलब मेरा ये मानना है वैसे ऐसा होता है। मेरी जो बेंच में थी पूजा, वो भी मेरी वीडियो देखती है, उसका भी अभी बेबी बॉय हो गया है, इतनी मस्ती करती थी हम दोनों मतलब हमारे एक टीचर थे उसकी वजह से मैं और भी ज़्यादा, मैं तो थोड़ी सी नटखटी थी उससे ज़्यादा मैं और ज़्यादा हो गई थी। हम मतलब कभी फ्रेंड नहीं मतलब थे क्लास में एक ही थे, बट इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ करता था हम दोनों का। और इस वजह और जब हम एक बेंचमेंट बन गए थे तो उस टाइम से मतलब इतनी अच्छी बॉन्डिंग हम 11th-12th में मतलब
साथ में हमेशा पढ़ाई करना, ये सब कुछ चल रहा था हमारा। और हम मतलब कभी भी किसी भी लड़के के साथ हम दोनों भी कभी बातें नहीं करते थे, वरना वो ना मैं, बस हम लड़कियों की मतलब एक ऐसे फनी मतलब हमेशा चीज़ें करते थे कि मतलब पूछो ही। मतलब हमारे जो मैथ के टीचर अभी भी याद है, इलेवंथ में ट्वेल्थ में माड़ी सर जो थे, इतने परेशान हो जाते थे हम दोनों से, बहुत परेशान हो जाते थे। मतलब पढ़ाई वगैरह करते थे और फालतू की मतलब बातें बहुत करते थे हम। सो ये था इलेवेंथ ट्वेल्थ में भी कुछ नहीं। बट जब मैं इंजीनियरिंग गई थी, इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मैं गई थी, तो मुझे जो कॉलेज मिला था, मेरे जो ट्वेल्थ के मार्क्स थे और MSCET जो कि इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए जो प्रोसीजर होती है, उस हिसाब से मुझे मिला था। मतलब मुझे इतना हैप्पी वाला जो मोमेंट, मेरे लाइफ का सबसे बड़ा हैप्पी वाला मोमेंट वही था कि मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला, वो भी मेरे मार्क्स के वजह से, 12th के मार्क्स और मेरे MSCET के मार्क्स। तो मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी कि हाँ यार ये ऐसा ऐसा, और मेरे घर वाले ने इतना ऐसे ऐसे भेजा था क्योंकि देख रहा बाहर सीखने के लिए जा रही है और कुछ करना नहीं गलत। मैं आपको बता दूँ, मैं एक मिडिल क्लास महाराष्ट्र फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ऐसे कुछ चलते ना। अभी तक जितने भी मेरे जो कज़न सिस्टर भाई बहन जिनकी भी शादी हुई है हमारे यहाँ पे, सभी की अरेंज मैरिज हो चुकी है, सभी की अरेंज मैरिज। अभी बस मेरी एक सिस्टर रह गई है क्योंकि उसकी अभी पढ़ाई चल रही है, तो इस वजह से वो बाकी है, बट उसकी भी अरेंज मैरिज ही होगी। तो मेन चीज़ ये था कि मेरे फैमिलीज में मैं पहली ऐसी थी, मेरी दो सिस्टर थी, तो उन्होंने BEAR DEAR किया था, मतलब टीचर का जो कोर्स था वो कर रहा था, और मैं थर्ड थी, तो इस वजह से बहुत हैप्पी थे मेरे चाचा चाची, मेरे पापा के घर वाले, सभी मतलब मेरे मामी के घर वाले, मेरे मौसी सभी, क्योंकि इतना मतलब अच्छा लग रहा था कि लड़कियों में से मैं जा रही हूँ। उस टाइम 2008 का था वो दौर, एंड दैट उस टाइम मतलब किसी को लगे कि यार कुछ नहीं, हम भी इंजीनियरिंग कर रहे थे, बट मेरे फैमिली में मतलब वो था, क्योंकि हमारे फैमिली में इतने ज़्यादा नहीं था कोई इंजीनियरिंग में जाने का, वो बात अलग थी। मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी, उसका भी वीडियो अलग है, आप देख लीजिएगा। तो वहाँ पे जब मैं गई थी, तो एक तो मेन चीज़ थी कि वहाँ का जो माहौल था बहुत अलग था, बहुत थोड़ा सा हाईफाई था, मतलब थोड़ा सा नहीं, वो हाईफाई होता है क्योंकि इंजीनियरिंग स्कूल के अगर कॉलेज अगर आपको पता होगा तो हाईफाई होते हैं, उनका बहुत तरीका ही अलग होता है। सो थोड़ा सा मतलब हॉस्टल में एडजस्ट करने में टाइम गया, और फिर उसके बाद धीरे धीरे एडजस्ट होने गया। और आपको बता दूँ, मेरे क्लास में इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में 72 बॉयज़ थे और 10 ही लड़कियाँ थी। और मैं आपको बता दूँ, इंजीनियरिंग में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के प्रैक्टिकल्स होते हैं, और मेरे जो प्रैक्टिकल की बैच थी उसमें 3 लड़कियाँ थी और बाकी 28 या 23 बॉयज़ थे। और जो मेरी बैचमेट थी, बाप रे, वो एक लड़की तो इतनी मतलब क्या बोलूँ मैं, तो इतनी ये थी ना, खड़ूस थी, बहुत ज़्यादा खड़ूस थी, यू नो, उसको ही टीचर प्रैक्टिकल का जो लिखने वगैरह जो काम होता तो मेन जो था उसके पास ही देते थे हमेशा। वो टीचर की बहुत फेवरेट होती थी, पता नहीं क्यों होती थी वो, मतलब मैं उसको कभी मांगने के जो, फिर मेरी दूसरी दोस्त भी थी मांगने, वो कभी देती थी, वो लड़कों को ज़रूर देती थी। तो इस वजह से मुझे मेरी बैच की जो लड़की थी, तो उसको मुझे इतना गुस्सा आता था कि यार मतलब हम लड़के, और हमने टीचर को भी बताया था, बट यू नो वो ऐसी थी। और अभी तक उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं की, मैंने तो छोड़ दी ही, उसने तो अभी तक कंप्लीट है, पता नहीं हम दोनों ही ऐसे थे कि हमारे इंजीनियरिंग का पता नहीं वाट लग गई। वो भी बहुत होशियार थी, ऐसे नहीं हो जाता है आपके साथ ऐसा। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट सेमेस्टर ऐसे ही गया। अब जब सेकंड सेमेस्टर आता है इंजीनियरिंग का, तो उस टाइम मतलब मैं थोड़ी बहुत अच्छी रहने लगी, क्योंकि मैं बहुत छोटे गांव से गई थी, कुछ ऐसा है क्या रहना है कुछ समझ में नहीं आता, रेगुलर जो ड्रेसेस पहनते वैसे मैं पहनती थी, इतना कुछ नहीं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब आप ऐसे छोटे गाँव से थोड़े से अच्छे गाँव में जाते हो, मतलब गाँव तो अच्छा था, मतलब डिस्ट्रिक्ट है अहमदनगर, मेरे गाँव जो है संगमनेर सिटी, उसका डिस्ट्रिक्ट है अहमदनगर। तो मैं वहाँ पे विखे पाटिल कॉलेज में पढ़ रही थी, घाट में। तो सेकंड सेमेस्टर में मैं तो थोड़ा सा अपने आप को ग्रूमिंग करने लगी, ऑब्वियसली ऐसा होता है और करना भी चाहिए आपको, मैं तो ये कहूँगी। फिर उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में बहुत सारे प्रपोजेस आते हैं, रोज़ प्रपोज, रोज डे होता है, फिर उसका चॉकलेट डे होता है, ये डे बहुत अच्छे से। बट यू नो मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि यार मेरे घर वाले मतलब बहुत, मेरी मम्मी आपको बता दो, मेरी मम्मी इतनी फ़ोन करती थी कि मुझे किसी के साथ बात करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। और
मैंने दिमाग में बस यही रखा फिर उस टाइम कि नहीं यार मुझे पढ़ाई करनी है और नहीं बाकी कुछ नहीं करना है। और पता नहीं आप सभी को बताया कि मेरा फर्स्ट ईयर जो था पता नहीं बहुत ख़राब गया और मैं मुझे ड्रॉप लगा। फिर सेकंड ईयर फिर उस टाइम मतलब मुझे कोई बॉयफ्रेंड मेरे फ्रेंड बन गए थे बहुत अच्छे खासे लड़के फ्रेंड बने थे बहुत ही अच्छे थे जो मुझे बहुत अच्छा मतलब स्टडी में मतलब हेल्प कर रहे थे और ठीक ठाक चल रहा था। फिर मेरा सेकंड ईयर तो वो बहुत ख़राब टाइम था मेरे लिए क्योंकि मेरे अपनी लाइफ में कभी मैं फेल नहीं हुई थी। जब आप फेल होते हैं अपनी लाइफ में पहली बार तो बहुत बुरा लगता है। तो मेरे चार सब्जेक्ट रह गए थे बैक और वो भी मैं कुछ मेरी गलती थी को मैं बीमार भी हो गई थी वो सब कुछ हो गया था तो मैंने अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया था क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है हॉस्टल में खाना जो था बहुत ही मतलब अलग तरीके का खाना होता है। बाप रे अगर आप हॉस्टल में रहते होंगे तो आपको पता है कि कैसे वाला खाना मिलता है। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी बीमार पड़ी अपने आप को ध्यान नहीं देती मैं बहुत ज़्यादा बाहर का खाने लगी थी और मम्मी पापा को पता था बट दे आर ओके बट उसी खाने की वजह से मैं बीमार पड़ती और मेरे सारे सब्जेक्ट आके रह गए थे। फिर उसके बाद मैं सेकंड ईयर एक ड्रॉप चल रहा था क्या करना रहे हाँ कर पेंसिल 1 to 15 लिखवा यहाँ पे 1 to 15। सेकंड ईयर मैंने सॉरी सेकंड ईयर अगर मेरा हो जाता बट मैं ड्रॉप में थी तो इस वजह से मैं ट्यूशन लगाए थे वहाँ पे उसी सिटी में तो वो सब कुछ हो गया तो मेरा सेकंड जो ड्रॉप का ईयर था वो ठीक ठाक चला गया। फिर उसके बाद मैं सेकंड ईयर गई यानी कि मेरा थर्ड ईयर चलता बट मेरा सेकंड ईयर चल रहा था और सेकंड ईयर चल रहा था तो यू नो आप थोड़ा सा सीनियर हो जाते तो आपको बहुत कुछ पता चल जाता। अब मैं आपको बताता हूँ जैसे कि मैं यहाँ पे बातें करती हूँ मैं वहाँ पे भी मतलब हॉस्टल में अपने कॉलेज में बहुत ज़्यादा बातें बड़बड़ करती थी इस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती थी। तो इस वजह से ना मतलब मैं ऐसी थी कि मैं अपने मन में जो बात थी वो एकदम डायरेक्टली बोल देती थी। तो मैंने फर्स्ट ईयर की बात रहेगी वो बात बताना शेयर करना भूल गए। फर्स्ट ईयर में ऐसा हुआ कि बहुत सारे प्रपोजल्स आए थे और मैंने वो सारे रिजेक्ट कर दिए थे और ऐसे ही कुछ फंक्शन था जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लड़के लड़कियों के लिए था तो उनका ही मतलब गैदरिंग ऐसा कुछ तो था। तो मुझे एक सीनियर जो थे मेरे बहुत पसंद आ गए थे तो वो जम्मू का था और हम मतलब उस टाइम रिस्पेक्ट देते थे उनको सर बुलाते थे। तो मैंने अपनी जो मेरी फ्रेंड्स थी लड़कियाँ और मेरे जो लड़के फ्रेंड्स थे तो मैंने उनके साथ शेयर कर दिया कि भाई ये लड़का जो है मुझे बहुत पसंद आ गया है कि देखो ना यार इसकी थोड़ा सा ये कर लो ना ये तो मुझे बहुत पसंद है। मैं ऑनेस्टली कह दूँ उस टाइम मैंने अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया था मैं मतलब इतनी भी बिंदास नहीं थी बट मेरे यू नो एक हो गया था कि हाँ ये अच्छा लगा क्योंकि वो इतने जम्मू कश्मीर से था इतना गोरा चिट्टा लड़का था आई डोंट नो उस टाइम मुझे क्या हो गया था और यू नो एक क्रश यू नो एकदम फालतू वाला नहीं बट एक होता है क्रश तो उस काइंड ऑफ वाला क्रश हो गया था कल। फिर उसके बाद मेरे जो कुछ फ्रेंड थे तो उन्होंने उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली और मेरा बैड लक ऐसा कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी। और फिर हम सभी ने मुझे समझाया कि नहीं शीतल तेरा कुछ नहीं होता। कैंटीन में हम बैठे थे सभी लड़के लड़कियों और उस टाइम मुझे उन्होंने बताया नहीं शीतल तेरा भी कुछ नहीं हो सकता उसके साथ। तो यही से मेरा रिलेशनशिप ऐसे हुए थे और वो छोड़ दे तो मैं इतनी बुरी मुझे इतना बुरा लग रहा था और फिर मैंने छोड़ दिया कुछ नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद मैं सेकंड ईयर गई थी तब उस टाइम मैं आपको बता दूँ मेरा क्रश किन पे था मतलब आप बहुत ज़्यादा ही हो जाओगे। मेरे एक टीचर थे तो मुझे बहुत पसंद आने लगे थे वो भी मैंने अपने फ्रेंड के साथ मेरी जो जूनियर थी तो उनके साथ अभी मुझे रहना पड़ रहा था क्योंकि मुझे ड्रॉप लग गया था तो मैंने उनके साथ भी शेयर किया और मेरी जो क्लास सभी को शेयर किया था। मैं ऐसी थी और वो सर मुझे इतने अच्छे लगते थे वो इस वजह से अच्छे लगते थे वो इतने सिंसियर थे और अपने काम में अपनी स्टडी में मतलब वो हमेशा मतलब इतने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देते वो इस वजह मुझे अच्छे लगने लगे। एंड फिर उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड्स से सभी को बता दिया जो मेरे सेकंड ईयर के फ्रेंड थे लड़कियाँ कि यार मुझे वो ना वो सर अच्छे लगने लगे। तो उस टाइम भी मेरे जो फ्रेंड से तो उन्होंने कहा कि ये तो पक्का नहीं हो सकता बाकी का दूसरा और लड़का होता ना तो हम उससे कुछ भी करके तेरी
अरेंजमेंट करवा देते, बट नहीं, बट मुझे और एक मेरे बैच में एक लड़का था तो उसका मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा क्रश था. वो मुझे बहुत दिनों के बाद पता चला कि उसका मुझ पे क्रश था, बट मैंने कभी उस तरफ उसके ध्यान ही नहीं दिया. तो जो टीचर थे, मैं आपको बता दूँ, जो मेरे टीचर थे, तो मैं कभी भी उनका क्लास जो है बंक नहीं करती थी. बाकी की सभी की क्लास बहुत बार मैंने बंक किए थे, उनका क्लास मैंने कभी भी बंक नहीं किया. बिकॉज वो जो सर थे, मैं आपको बता दूँ, 24 ईयर्स के ही होंगे, मतलब जस्ट अभी उसी कॉलेज में पढ़े थे और उन्होंने जस्ट अभी ये किया था, छोटे थे तो इस वजह से वहीं पे उन्होंने जॉब की कर रहे थे एक्सपीरियंस के लिए. तो वो सर मुझे बहुत अभी याद है. तो मैंने थोड़े दिन पहले भी उनको सर्च किया था तो उन्होंने शादी कर ली. मैंने अभी फेसबुक पे, हाँ फेसबुक पे मैंने सर्च किया था उनको. और बस ऐसे ही मेरे रेशम में कभी भी ऐसे, आपको ऑनेस्टली बोल दूँ, मैं कभी भी ऐसे डेट पर नहीं गई हूँ कि जहाँ पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसे डेट पर जाते हैं. हाँ मैं ऐसे, हम लड़के लड़कियाँ ने बहुत अच्छे खासी खाने पीने की पार्टी, पीने मतलब कुछ गलत वाला पीना नहीं, खाने की जो पार्टी होती है, पाव भाजी पार्टी, मतलब बर्थडे की जो पार्टी देते थे किसी से, कभी वड़ा पाव पार्टी, कभी कैंटीन पार्टी, तो ये सब कुछ हमने किया था. बट वो मतलब ऐसा कुछ ना, मैं कभी किसी ऐसी रिलेशनशिप में फंसी कि ऐसा कुछ होगा. आई वाज थिंकिंग, मतलब मुझे जो पसंद आते थे वो उनके वो अलग ही दुनिया में रहते थे, जैसे कि ये दो लोग थे. और फिर इसके बाद मैंने छोड़ दिया. मैंने सोचा कि यार अपने घर वाले, मेन चीज़ ये था मेरे दिमाग में, एक ऐसी टेंडेंसी थी कि मेरे घर वाले जिनके साथ शादी करें उसी से आती मुझे शादी करनी है, तो क्यों फालतू में यहाँ वहाँ पे मैं ये करूँ. और बस ये मेरे पास्ट रिलेशनशिप, ये मतलब क्या होगा मुझे समझ भी नहीं, पास्ट रिलेशनशिप भी नहीं, तो ये ऐसा कुछ था मेरे पास्ट रिलेशनशिप के बारे में जो आप लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं. और मेरे इंजीनियर के फ्रेंड भी मुझे देखते तो उनको भी पता है. और मैं आपको बता दूँ, अगर आप भी किसी एक रिलेशनशिप में होते हैं तो प्लीज़ उसको एक बताने क्या हो गया था. मैं आपको बता दूँ, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो प्लीज़ उस रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से रखिएगा, आगे जाके भी शादी कीजिएगा. मतलब रिलेशनशिप रखने से पहले ही सोचिएगा कि बंदा आपके लिए अच्छा है या नहीं, ताकि बाद में पछताना ना पड़े कि यार मैंने किसके साथ शादी की, क्योंकि मतलब ये तो मेरा ही फैसला था. और ऐसा होता है बहुत सारी लड़कियाँ, मतलब पहले पहले प्यार होता है, मतलब हमें उस टाइम समझ में नहीं आता है कि यार प्यार हो जाता है, बाकी को कुछ नहीं देखते, प्यार मतलब अंधा हो जाता है ना, ऐसे हो जाता है. मैंने अपने रूममेट से कहते कुछ कि मतलब इतने झगड़े करते थे यार वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, यू नो, मतलब ऐसा दिमाग जो था ख़राब हो जाता. हम सिर्फ लड़कियों को रूममेट्स को उनको मिलाना पड़ता था, तो ये बहुत सारी चीज़ें मतलब होती थी कि इसका झगड़ा सॉल्व करो. मतलब यू नो, आप अगर हॉस्टल में रूम मतलब रहते हो अपने पेरेंट्स से दूर, तो आपको अपने फ्रेंड्स के चीज़ों को थोड़ा सा ढक के भी रखना पड़ता है कि नहीं मम्मी, उनके मम्मी पापा तक ये चीज़ें नहीं बतानी होती, और उनको भी मतलब सपोर्ट करना होता है ताकि कभी कुछ होना हो जाए. तो मेरे रूममेट से तो उनके साथ ऐसा होता था, तो मैं देखती थी यार अच्छा है मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है. तो जब मैं बैंक गई थी तो वहाँ पे भी वही था. हर एक जगह में जहाँ पे जिस हॉस्टल में रही थी, तो एक बार मैं अपने कॉलेज के हॉस्टल में, दूसरी बार मैं बैंक गई मतलब कॉलेज के हॉस्टल से बाहर, क्योंकि जब ड्रॉप लगता है आपको इंजीनियरिंग के, तो कॉलेज के जो हॉस्टल रहते हैं वहाँ पे आपको रहने नहीं देते. तो मैं इस वजह से बैंक गई में रह रही थी. वहाँ पे एक बड़ा बंगला था, तो उनके घर में मैं रह रही थी और सारी लेडीज़ थी तो वहाँ पे मैं रहती. और इतना बड़ा बंगला था कि वहाँ पे सारी लड़कियाँ ही लड़कियाँ थी. तो वहाँ पे भी बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ऐसे झगड़ जाते. एक ऐसा था कि उन दोनों का कास्ट बहुत ज़्यादा अलग था, मतलब बहुत ज़्यादा अलग था, तो इतना झगड़ा करते हैं भगवान है भगवान. मतलब मुझे भी वहाँ पे भी, मुझे क्योंकि वो मेरे रूममेट थे तो मुझे उनका भी बहुत ज़्यादा सॉल्व करना पड़ता था. तभी मेरे मतलब मुझे इस वजह से समझ में आता था कि यार ये क्या हो रहा है, प्यार तो करते एक दूसरे पर, इतना झगड़ा क्यों करते हैं, अच्छी तरीके से रहो यार अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो. बट नहीं, बहुत झगड़े करते थे, मतलब मेरे जो सराउंडिंग के थे लड़के लड़कियाँ. और बस वैलेंटाइन डे होता था, बहुत अच्छे खासे रेडी होके ये दोनों चले जाते थे. और आपको बता दो, मतलब बहुत हंसी आती है कि मतलब उनकी मम्मी का अगर फ़ोन आता था ना, मेरी रूममेट से, तो उसके मम्मी का फ़ोन आता था कि मेरे बच्चे को फ़ोन ही लग रहा है, कहाँ पे गए मेरे बच्चे, तो हम बोलते थे आंटी वो सो गई. तो ऐसे बहुत सारे मस्तियाँ हम करते थे. सो बस यही बातें आपके साथ शेयर करनी थी. तो मुझे लगता है कि आपने थोड़ा बहुत तय इंजॉय किया होगा मेरे इस पास्ट रिलेशनशिप के बारे में, जो कभी हुआ ही नहीं. दैट ये बहुत फनी वाला है. बट यस गाइज, आई हैव नो बॉयफ्रेंड. और जब
यू नो एक बात मैं बता दूँ, नितेश ने मुझे कभी भी अभी तक नहीं पूछा कि तुम्हारा कोई पास्ट रिलेशनशिप था या फिर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था, क्या था, कुछ नहीं। उन्हें बस मुझे ये बात बोली थी एक बार जब हम मिले थे कि देखो आज से तुम मेरी हो, पहले जो भी कुछ हुआ होगा या फिर नहीं भी हुआ होगा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। सो ऐसी भी सोच, मतलब मुझे नहीं पता था कि ऐसी सोच वाला लड़का मुझे कभी अपनी लाइफ में मिलेगा, बट मैंने जब ऐसी फनी वाली स्टोरी उनके साथ शेयर किया वो इतना हंसे थे, मतलब एक्चुअली क्या है तुम्हारा, मैं बोलती हूँ हाँ मेरा ऐसा ही है। और यू नो कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक हुआ कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हुआ, पता नहीं मतलब मेरा भी, क्योंकि मेरे जो रूममेट्स थे उनके इतने झगड़े चलते तो शायद मेरा भी ऐसे ही हो जाता। और यू नो स्टडीज से भी, मतलब यू नो वो लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी, मेरा तो कुछ और ही हुआ था, मतलब मेरा ऐसा कुछ था भी नहीं, फिर भी मेरा जो ब्रांच था वो नहीं था, इस वजह से मेरा स्टडी मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, मेरा माइंड तो ख़राब हो गया था। सो होता है, देखिए मैं फिर से कहती हूँ कि अगर आप भी किसी रिलेशनशिप में हो तो उसको 100% मतलब ये दीजिएगा, टाइम दीजिएगा और उसको निभाइएगा अंत तक, कि मतलब मेरा ऐसा पर्सनल मानना। चलिए व्लॉग को हम एंड करते हैं, मम्मी का फ़ोन आ गया, बाय। हेलो।